सो हाय गाइस, हेलो एवरीवन। और आज भी कुछ तीन चार इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ में शेयर करूंगा वीडियो में, आखिरी तक बने रहिएगा। उसके पहले मैं बोलूं कि एवरी मंडे जो है, हर मंडे को जो है शाम में 6 बजे क्वेश्चन आंसर मैं करता हूं यूट्यूब पर, उसे आप जरूर अटेंड किया कीजिए क्योंकि वहां पर आपको बहुत सारे अपने क्वेश्चनों के आंसर मिल जाएंगे। तो सबसे पहले हम यहां पे बात करते हैं डेबिट कार्ड को लेकर के। कुछ वहां पे मुझसे क्वेश्चन किया गया कि भाई डेबिट कार्ड जो है हमारे जो ऑन पैसिव के डेबिट कार्ड आएंगे तो उसके बाद में क्या हमें बैंक अकाउंट की जरूरत पड़ेगी। तो देखिए, आपको मैं बता दूं, देखिए बैंक अकाउंट अपनी जगह है और हमारे ऑन पैसिव के डेबिट कार्ड अपनी जगह है। इसमें इंपॉर्टेंट यहां पर यह है कि शुरुआत में हमें जो है वर्चुअल डेबिट कार्ड मिलने वाला है, मतलब वर्चुअल डेबिट कार्ड, फिजिकल तो खैर बाद में आने ही आना है, बट वर्चुअल डेबिट कार्ड हमें शुरुआती दिनों में मिलेगा और वर्चुअल डेबिट कार्ड का अपना एक वैल्यू होगा। इसके अंदर जो है कई बार पेमेंट लोड किया जा सकता है, जैसे इसमें कमीशन वगैरह और भी कई चीजें इसमें लोड की जाएंगी। उसमें कैसे यूज करना है, किस प्रकार से यूज करना है, उसमें अंदर कुछ डेफिनेटली चांसेस होंगे कि कुछ इसके अंदर ऐसी चीजें दी जाएंगी, कुछ अमाउंट होल्ड पे होगा, किसे आप विड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि लास्ट अपडेट में जो मिस्टर एश ने यहां पे इस बारे में जरूर बताया था। यहां पर आपने देखा होगा एक दो अपडेट पहले यहां पे नेट बैंकिंग का भी जिक्र किया था, कार्ड से रिलेटेड भी कुछ उन्होंने डिस्कशन किया था। तो मे बी यहां पे 100% चांसेस है कि इसके अंदर ऐसा भी सिस्टम आए जिसमें आप कार्ड्स के थ्रू भी इसमें बैंक में भी अपने विड्रॉल ले सकते हैं, मतलब आपके वॉलेट में कुछ अमाउंट होगा, इसमें कितना इसमें आपको अमाउंट वापस विड्रॉल लेने हैं आपके बैंक में या फिर आपके डेबिट कार्ड में कितना इसमें अमाउंट रहना है। तो बैंक अकाउंट अपनी जगह है और डेबिट कार्ड अपनी जगह है, दोनों का अपना वैल्यू है। तो अगर आप ये विड्रॉ का ऑप्शन आता कि आपने बैंक में भी आप अमाउंट ले सकते हैं तो 100% यहां पर बैंक का होना भी जरूरी है। दूसरी बात यहां पे हम करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी लास्ट जो वेबसाइट आई है onpassive.com की, उसमें ऑफिसों के नाम बताए जा रहे हैं, जैसा इजिप्ट है और हमारा वहाँ पे ऑफिस के नाम बताया, दुबई का ऑफिस बताया जा रहा है, लेकिन वहाँ पर अमेरिका का जो ऑफिस नजर नहीं आ रहा है। तो इसमें कई लोग कंफ्यूज हो गए कि यार क्या बात है, अमेरिका से ऑफिस हट गया या कुछ हुआ। देखिए, ऐसी अपडेशन कई बार जो है वेबसाइट में होती रहती है, चलता रहता है, उस तक मैं वीडियो बना रहा हूँ जब तक वहाँ पे ऑप्शन नहीं दिखा रहा था, लेकिन यहाँ पर कई चीज़ें रिफ्रेश होती है, नई चीज़ें जुड़ती हैं, आगे पीछे होता रहता है। तो डोंट वरी, उसके लिए टेंशन रखो भैया, टेंशन बिल्कुल मत लीजिए और ये सारी चीज़ें अपडेट होती रहती हैं। वेबसाइट के अंदर भी काफ़ी सारी हलचलें होती हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि भैया वहां पे ऑफिस नहीं दिखा रहा है तो वहां पे नहीं होगा, कुछ अपडेशन की वजह से नहीं आ रहा होगा। बट डोंट वेरी, जो भी हो, इंपॉर्टेंट हमारे यहां पे ये है कि अभी ऑन पैसिव में जो यहां पे दिन रात काम चल रहा है बहुत जबरदस्त तरीके से चल रहा है, और खासकर अभी सबसे ज्यादा जो दुबई हमारा ऑफिस है वो बहुत ज्यादा फोकस्ड है क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा काम हो रहा है, हैदराबाद ऑफिस, उसके अलावा और कई जगह ऐसी है जिनमें हमें पता नहीं है जिस बारे में। तो ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ वहां पर देख लें कि भैया ये ऑफिस है तो ये क्यों हुआ, तो डोंट वेरी, टेंशन नहीं लीजिए। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं जो एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि हमारा ओ कनेक्ट, कई लोगों के क्वेश्चन ये है कि अब कैसे इसे डाउनलोड करें, वेबिनार तो क्रिएट कर लिया लेकिन इसे डाउनलोड किस तरह से हमें करना है भाई जब रिकॉर्डिंग वगैरह हो जाती है। तो इसके लिए आप देखेंगे कि बैक ऑफिस में ओपाउंडर्स में ऑप्शन वहां दिया हुआ है किस तरह से आपको यहाँ पे सारी चीजें डाउनलोड करनी है, कैसे उसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके जो है आसानी से आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं जो आपने वेबिनार क्रिएट किया था, और उसमें जिस तरह से वेबिनार क्रिएट करने के बाद में आप जो है उसकी रिकॉर्डिंग को डाउनलोड करना चाहते हैं तो ofounders.net में जाइए, वहां पर वो सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है, बहुत शानदार वो वीडियो है, छोटा सा वीडियो, स्टेप बाय स्टेप आप देख लेंगे, आप आसानी से सारी चीजें सीख जाएंगे। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं एक और कि वो कनेक्ट को आप देख रहे हैं कि बहुत ही जबरदस्त और स्मूथ चल रहा है, अब YouTube पर लाइव भी बहुत ही शानदार तरीके से, मतलब आप डायरेक्टली YouTube से कनेक्ट करके उसे लाइव कर सकते हैं। तो मैं भी अभी कुछ दूसरे सॉफ्टवेयर यूज कर रहा था, बट जब भी कोई मीटिंग होगी, जब भी मैं कोई अपनी पर्सनल मीटिंग करता हूं और उसे YouTube पे जरूर मैं लाइव करूंगा, क्योंकि अगर सिंगल आप जुड़े हैं या दो एक दो ही लोग हैं तो उसके लिए आई थिंक और कोई सॉफ्टवेयर भी आप यूज कर सकते हैं, बट अगर कोई मीटिंग आप अरेंज कर रहे हैं या वेबिनार कर रहे हैं जब आपके साथ बहुत सारे लोगों 40-50 लोग जुड़े हो, 30-40-100, तो उसमें आप जो है आराम से जाइए, फिर YouTube से डायरेक्टली उसे जो है लाइव कर सकते हैं, मतलब ये ऑप्शन बहुत ही फैंटास्टिक आ चुका है। और एक चीज और है, काफी लोग पूछ रहे हैं कि सर सब सारी चीजें इंपॉर्टेंट आप बताते हो, ट्रैफिक के बारे में या कमीशन के बारे में कोई नहीं बताता। तो भैया देखिए, ऐश मुफारे सर ने भी अभी जो चीजें करनी है वो ऐश सर ही आके करने वाले हैं। आप किसी से क्वेश्चन करोगे कि भैया कमीशन कब आ रहा है या आप यहाँ पे कब हमें यहाँ पे ट्रैफिक मिलेगा, मिस्टर ऐश ऑलरेडी बोल चुके हैं कि कपल ऑफ डेज में कुछ और इन्फॉर्मेशन वो लेकर के आ रहे हैं, कुछ बड़ी अपडेट लेकर के आ रहे हैं। तो ये मत सोचिए कि ट्रैफिक कंपनियां आपको नहीं देगी या बहुत डिले कर देगी, वो ऑलरेडी रेडी पड़ा है, बस समय का इंतजार कीजिए, सही वक्त आने पर आपको धड़ाधड़ सारी चीजें मिल जाएंगी। तो कोई आपसे ये कह देता कि अरे मैं बोल रहा हूं तुमको एक दो दिन में या तीन दिन में या चार दिन में, इस हफ्ते में, दो हफ्ते में आगे, किसी पर बिलीव मत कीजिए, क्योंकि मिस्टर ऐश ही आके बताने वाले कि ट्रैफिक या जो कमीशन है वो हमें कब आने हैं। तो देखते रहिए, बैक ऑफिस की अपडेट लेते रहिए। बाय बाय, आई लव यू ऑल।